Bismillahirrahmanirrahim. Main heading, the main question was, the flower is a modified shoe. Share MN, page number 88, figure 6.2, 6.3, 6.4. These figures which we have studied. And इसमें बहुत सी एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस किया गया। शूट टैनी को कहते हैं, स्टेम या कोई भी ब्रांच जिसके ऊपर लीव लगे हैं, उन्हीं ब्रांचेस के ऊपर ही फ्लावर्स पैदा होते हैं लीव्स के असल में। अब जो फ्लावर्स हैं या अगर उसकी शुरू भी हो सकते हैं, जब हम फ्लावर को स्टडी करते हैं तो हमें फ्लावर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें नजर आती हैं जिससे ये अंदाजा होता है कि जो फ्लावर है ये असल में एक टैनिक ही जो चेंज होके मॉडिफाई होके कुछ लोग की बात की। अब उस वूद कौन कौन से हैं, यही हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। पहले डायग्राम, ये चूंकि चीज़ों की तरतीब, पॉइंट की तरतीब कुछ आगे पीछे हो सकती है, शेयर के मुताबिक जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब हम किसी फूल को देखते हैं वो आमतौर पर किसी लीव के एक्सल में पैदा होता है और उस लीव को ब्रैकेट का नाम देते हैं, और जो शूट होती है, जो टैनी होती है, वो भी लीव के एक्सल में ही पैदा होता है। ये शेर ने पहला पॉइंट दिया हुआ। सेकंड पॉइंट शेर में से ये पॉइंट भी हमने कल डिस्कस किया था और आज उसकी डिटेल्स अभी आएंगे। जब हम फूल को देखते हैं, फूल एक डंडी पे लगा होता है, वो डंडी थैलेमस कहलाती है, उसको प्रिस्सा टॉरस कहलाता है। उसके ऊपर सेपल्स पेटल द्वारा लगे हुए हैं। आम फूलों में सेपल्स पेटल्स एंड्रोशियम में फासला बहुत कम होता है, लेकिन जैसे कि हम देखेंगे आपकी बुक में स्ट्रीट दी गई 6.3 फ्लावर ऑफ गाइनेंड्रोप्सिस फैमिली कैपरिडिक से इसका ताल्लुक है। इसके अलावा पैसिव फ्लोरा है, पेट्रोस्पर्मम है, कैपेरिस है, बहुत से फूल हैं, बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनके फूलों में सेपल्स पेटल या पेटल एंड्रोशियम या एंड्रोशियम और गाइनेशियम के दरमियान में इतना गैप होता है, क्लियर नजर आता है कि ये नोड्स और इंटर नोड्स हैं। जैसा कि तस्वीर देखें जो कि गाइनेंड्रोप्सिस की है, इसमें चेक करें सेपल्स और पेटल के दरमियान में भी डिस्टेंस मौजूद है, और उसके बाद पेटल्स और एंड्रोशियम के दरमियान में और ऐसे एंड्रोशियम और गाइनेशियम के दरमियान में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। डिफरेंस मीन के कुछ इतना फासला नज़र आ रहा है जिसको हम इंटर नोड कह सकते हैं, और उसी इंटर नोड के नतीजे के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सब चीज़ें हैं, ये सेपल्स पेटल्स और एंड्रोशियम वगैरह, ये सब लीव्स थे जो मॉडिफाई होके फ्लोर लीव्स बन गए। अब इसमें जो टेक्निकल लफ्ज हैं, दो टेक्निकल लफ्ज जो इस डायग्राम में दिए गए हैं, ऊपर से नीचे वाला जुड़िए, सबसे ऊपर गाइनेशियम है, उसके नीचे गाइनोफोर का लफ्ज है। फोर ब्रांच को कहते हैं, गाइनोफीमेल को कहते हैं, फीमेल पार्ट यानी गाइनेशियम यानी ओवरी या स्टिग्मा स्टाइल ओवरी या पार्फल कुछ जो भी नाम देना चाहें उसमें, और एंड्रोशियम के दरमियान में जो इंटर नोड है, जो थैलेमस का हिस्सा है जहाँ पे ये चीज़ें लगी हुई सेपरेट नजर आ रही हैं, उसको गाइनोफोर का नाम दिया गया है। ऐसे ही इसी डायग्राम के अंदर स्टेमेंस और पेटल्स के दरमियान में जो इंटर नोड है उसको एंड्रोफोर का नाम दिया गया है, और ऐसे ही अगर सेपल्स और पेटल्स के दरमियान में इंटर नोड मौजूद हो जैसे कुछ फूलों में होती है, उसको कार्पोफोर का नाम दिया जाता है। ये था जी वो स्पेसिफिक पॉइंट, और ये इंडिकेट यही कर रहा है कि फूल भी जैसे कि इन चंद पौधों में जिनकी तस्वीरें या जिनका नाम दिया गया इंडिकेट हो रहे हैं, बड़े तौर पर इसमें नोट्स और इंटरनोट्स मौजूद है फूल के फ्लोरल पार्ट्स के। फिगर 6.2 इसमें एक गुलाब का फूल दिखाया गया है, गुलाब के फूल में से टहने के ऊपर चली गई और उसको दोबारा पत्ते बन गए। इस प्रोसेस को मॉन्स्टेरोसिटी का नाम दिया जाता है। ये भी एक प्रूफ है कि वो जो डंडी जिसका फूल पैदा हो रहा है वो ऊपर जाके कंटिन्यूस ग्रो कर सकती है। इसको पॉइंट नंबर तकीब अच्छी हो जाएगी, इसको पॉइंट नंबर 3 कह लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 4 बन जाएगा, जब हम थैलेमस के ऊपर सेपल्स पेटल्स के पत्तों की पत्तियों के अरेंजमेंट देखते हैं तो इट इज जस्ट लाइक प्री फोलिएशन। हम प्री फोलिएशन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसलिए हमने फाइलोटेक्सिस का लफ्ज भी पढ़ा हुआ है। फिर रिमेम्बर आपको याद होगा जैसे हमने ये कहा था कि एक एक करके पत्ते हो सकते हैं एक नोड के ऊपर, या एक नोड पर दो या दो से ज्यादा पत्ते हो सकते हैं,
और उसके लिए हमने साइक्लिक और ऑपोजिट और वर्ड पायलट एक्सेस का नाम लिया था। बिल्कुल ऐसे ही एक्सेलरेटर केसेस में दायरों के अंदर, जो है ये चीजें होती हैं, ये भी इंडिकेट करते हैं कि यहाँ भी वही सिमिलरिटी है, यानी जैसा कि पत्ते रेज होते हैं, फूल की पत्तियां भी ऐसे रेज। अगला पॉइंट जो पॉइंट नंबर फोर की बजाय पॉइंट नंबर फाइव बन जाएगा, यहाँ जो टेक्निकल लफ्ज है, अभी हमने कल परसों या से एक दिन पहले प्री फोलिएशन पढ़ा था। जैसे बर्ड के अंदर प्री फोलिएशन होती है लीफ बर्ड में, फ्लोर बर्ड के अंदर उसी को ईस्टिवेशन का नाम देते हैं, यानी पत्तियाँ किस तरह से आपस में अरेंज होती हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही सिमिलरिटी शो करती है। अगला पॉइंट ये पॉइंट नंबर सिक्स बन जाएगा, सैपल्स और पैटर्न को जब हम देखते हैं तो वो दिखते ही नजर आते हैं कि उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल पत्तों जैसी है, आम लीफ जैसी है। फर्क ये कि सैपल्स ग्रीन होती हैं बिल्कुल लीफ लाइक, लेकिन जो पेटल्स हैं वो सिर्फ करड़ हो चुकी होती हैं, वगरना वो भी काफ़ी हद तक लीफ की शेप में होती हैं। अगर आपके समझ डायग्राम है 6.4, इसकी एफ डायग्राम को देखें तो ये बिल्कुल एक लीफ जैसी शेप है इस पेटल। सेपल्स आमतौर पर ग्रीन कलर की होती हैं, मेजॉरिटी पौधों में सेपल्स ग्रीन कलर की हैं, दे आर जस्ट लाइक, और कुछ पौधों में ग्रीन रोज एग्जांपल है, पेटल्स भी ग्रीन कलर की हो सकती हैं। आपकी बुक ने आर्टोबोट्रिस इन चंपा की एग्जांपल दी हुई है जिसमें कि किस तरह की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर सेवन बन जाएगा जी। अब ये गुलाब का फूल है 6.4, और गुलाब के फूल में ए बी सी डी ई एफ कुछ डायग्राम शो की गई है। वर्डिंग ये है कि कुछ पौधों में जिसमें कैना और रोज, कैना को केली कहते हैं हमारे और रोज मशरूम और गुलाब, इन पौधों में हमें इंटर ग्रेडेशन नजर आती है स्टेमन्स और पेटल्स के। स्टेमन्स और पेटल्स में बड़ा वाजह तौर पर महसूस होता है कि पेटल्स के साथ स्टेमन अटैच हो रहे हैं, या पेटल को स्टेम पैदा हो रहे हैं, या स्टेमन से पेटल पैदा हो रहे हैं। हम एक ही चीज़ को दोनों साइड पे शो कर सकते हैं। कुछ मालवेसी फैमिली के मेंबर में भी ऐसा हो सकता है, और वाटर लिली कमल की फैमिली है उसके अंदर भी ऐसी अच्छी ये तस्वीर है। ये इसने वाटर लिली निम्फिया का नाम दिया है। यही चीज़ आप रोज के अंदर भी देख सकते हैं। रोज का एक फूल है बड़े साइज का, फूल में सबसे बाहर पांच सेपल्स होंगे, उसके आगे पेटल्स होंगे काफ़ी सारे। जब आप पेटल्स को अंदर की तरफ देखते जाएंगे तो जैसे यहाँ पे है एफ से ई, ई से डी, डी से सी, कि आपको महसूस होगा कि कुछ पेटल्स छोटी होती जा रही हैं और उनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा डेवलप हो रहे हैं। और जब आप जैसे सी वी और ए में देखते हैं वो बिल्कुल स्टेमन की शेप पे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एवोल्यूशन पेटल से स्टेमन्स का एवोल्यूशन हुआ। इसने जो कैना की एग्जांपल दी हुई है, कैना इस वक्त आजकल सीजन है कैना का, इसको अंग्रेजी में केली कहते हैं, अकीक भी इसी का नाम है उर्दू में, और पंजाबी दोनों में केली चलो मारूफ है। पौधे की हाइट 5 से 6 फुट की हो सकती है, बहुत से लोग इसको एज ऑर्नामेंटल प्लांट के ग्रो करते हैं। इसके पत्तों की शक्ल केली जैसी होती है, वैसे इसका केले से कोई ताल्लुक नहीं। इसके ऊपर काफ़ी बड़े साइज में येलो, ऑरेंज, रेड, डिपेंड करते हुए कौन सी वैरायटी फूल पैदा होते हैं, उस फूल के अंदर बड़े वाजे तौर पर इसकी पैटर्न के ऊपर, एक पैटर्न के ऊपर उगा हुआ एंथर देखा जा सकता है, जो प्रूफ है कि पेटल्स से एवोल्यूशन हुआ है स्टेमन्स का। अगला पॉइंट ये पॉइंट नंबर एट बनेगा क्या, कार्पल या पिस्टल फूल का सबसे अंदर वाला फीमेल पार्ट। अब यहाँ तस्वीर तो नहीं है जो होनी चाहिए थी, वो किसी और जगह पे इसी चैप्टर में आगे जा कर तस्वीर बनी होगी, मैं वो फिगर निकालने लगा हूँ। और आपके पास अगर बुक है शेयर में है तो आप उस फिगर को देख सकेंगे, और अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसको भेज दूँगा, आप उस तस्वीर को देख लीजिएगा। या तीसरी चीज़ यह है कि अभी भी अवेलेबल है बाज़ार में मटर, मटर हमारे यहाँ बहुत मशहूर वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल होने चीज़ है, एक्चुअली वो फ्रूट है। अगर आप मटर की फली को ओपन करें, जी जो डायग्राम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसमें
वो शेरविन के पेज नंबर 108, शेरविन का पेज है 108, फिगर का नंबर है 6.24, ये भी आगे आ जाएगा। इसने इसमें ऐसा दिखाया कि एक लीफ लिया, उसको फोल्ड किया, बी डायग्राम और सी डायग्राम में उसको काट के दिखा दिया कि ये ओवरी बन चुकी है और जहाँ पे मार्जिन है वहाँ पे सीड 12 हो गए हैं। इसका ऑपोजिट ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हैं कि एक मटर की फली लें, बल्कि दो फलियाँ लें, उनको एक को एक फ्रंट साइड से और एक को बैक साइड से खोलें। जब आप मटर की फली को खोलेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि उसकी शेप दो तरीकों से आपने खोलना है, फ्रंट से और बैक से। आप नोट करेंगे कि आपको महसूस होगा कि खास स्टाइल में आप खोलते हैं उसकी शक्ल बिल्कुल पत्ते जैसी हो जाएगी, मटर की फली खुल के पत्ती जैसी शक्ल। जब आप उसको इस तरह से खोलेंगे तो उसके मार्जिन के ऊपर आपको बीज लगे नजर आएंगे, अगर उल्टी साइड से खोलेंगे तो बीज सेंटर में पड़े नजर आएंगे। ये भी प्रूफ है कि एक लीफ फोल्ड हुआ, लीफ के ऊपर जो लगे हुए ओव्यूल थे वो लीफ से बनने वाली ओवरी या कार्पल के अंदर चले गए। पहला ये है जी, वो तमाम पॉइंट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं इस चीज को साबित करने में कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। ये है जी ऑन अबाउट एवरेशन। और शेर मैंने एग्जाम्पल दी हुई है आखिरी पॉइंट के अंदर, चेक कीजिए चेरी, डबल चेरी और जीनिया पौधा का नाम। चेरी हमारे पहाड़ी इलाकों में, जीनिया रर्मर पौधा है। इन पौधों में स्टेमन और कार्पल्स जो है वो पेटल लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो, ये हमने बहुत डिटेल से पढ़े और अब हमें बहुत तेजी के साथ देख के चल रहे हैं। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और बहुत सारे हैं, हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स एपिस पेटल सेंट्रोशन वेरिएशन वाले हैं, इनकी तादाद के लिहाज से बात हो रही है। ये तादाद मुख्तलिफ फूलों में मुख्तलिफ हो सकती है और ये तादाद जैसे कि अभी हम देखेंगे नीचे एग्जाम्पल से एग्जाम्पल को देखना शुरू करें। सबसे पहले लाइनम अलसी एग्जाम्पल है, इसमें पांच पेटल्स, पांच पेटल, पांच स्टेमन्स, पांच कार्पल, हर चीज पांच पांच है। इसको पेंटा बीज कहेंगे, इट इज पेंटा बीज। नेक्स्ट वाला पेटूनिया है, फाइव पेटल्स, फाइव सेपल्स, फाइव स्टेमन, टू कार्पल्स, कार्पल टू है लेकिन बाकी फाइव है, इसको भी हम पेंटा बीज फ्लावर कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रासी का, फोर सेपल्स, फोर पेटल्स, सिक्स स्टेमन्स और हमें टू कार्पल्स हैं, ये टेट्रा बीज क्योंकि ज्यादा चार चार है तो टेट्रा बीज कहलाएगा। केसिया फिसोला में पांच सेपल्स, पांच पेटल्स, दस स्टेमन्स और एक कार्पल है, इसको भी पेंटा बीज कहेंगे। पी में फाइव पेटल्स, टेन स्टेमन्स, फाइव सेपल्स, फाइव पेटल्स, टेन स्टेमन्स और एक कार्पल है, ये भी पेंटा बीज कहलाएगा। और आखिरी एग्जाम्पल है एस्कोडिलस प्याजी, और प्याज में भी ऐसे ही है, प्याज में इंग्लिस कैमरे, इनमें पेरियंट लीव छः हैं जो कि तीन तीन होते हैं और स्टेमन तीन है और कार्पल्स भी तीन है, ये ट्राई बीज को भी कहना है। जब अल्फाज थे रेयर, एक टेक्निकल अफ डाइमेगस, अगर फूल में दो दो चीजें हों, सिर्फ दो सैकल पट लू है वो डाइमेगस, अगर कोई पार्ट दो हो तो डाइमेगस। टेट्रा और पेंटामीरस ज्यादातर डाइकॉट में और ट्राइमेरस फूल ज्यादातर मोनोकॉट में पाए जाते हैं। जब सैकल पैटर्न की तादाद 10 से ज्यादा हो जाए तो उन्हें डाइकॉट कह देते हैं। ऐसे ही कार्पस क्रिस्टल वाला की तादाद बहुत ज़्यादा हो, आमतौर पर 10 से ज़्यादा हो जाए तो उनको बजाय काम करने के इंडक्टेड इस्तेमाल कर रही है जी। अगले हेडिंग अल्टरनेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। अगर हम एक फूल को और से देख रहे हों, सबसे पहले सेपल्स को देखें, फर्स्ट कीजिए चार सेपल्स हैं जैसा कि ब्रसिका में, इन चार सेपल्स को तस्वीर में जब देखेंगे फ्लो डायग्राम जो हमारा टॉपिक आगे आने वाला है, फ्लो डायग्राम में देखेंगे तो ये चारों आमने सामने जमा कह लेंगे, क्रॉस निशान कह नजर आएंगे, या यूं समझिएगा आपने दो लाइनों को उसके ऊपर राइट एंगल कट किया है और जो ये दो लाइन आपने रखी है वो हर एक पेटल को छोड़ता है। अब जब आप सेपल्स के मुकाबले में पेटल्स को देखेंगे तो जहां पे भी दो लाइन क्रॉस हो रही है जो वी बन रही है उस वी के सेंटर में आपको पैटर्न नजर आ रहा है, सैकल्स और पैटर्न्स यूं है जैसे आप जमा के ऊपर एक और जमा निशान या क्रॉस के ऊपर एक और क्रॉस का निशान रखते हैं
और इस तरह से ट्रेन को ऑल्टरनेट मोड पर ये इस तरह से आपको नजर आएंगे। ये पॉइंट स्पेन उसके जब आप एक्चुअली स्कूल को देखेंगे या जब हम इस पॉइंट को ब्रेसिका के डायग्राम जहाँ पे आएंगे फ्लोर डायग्राम चैप्टर के इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में होगा फ्लोर डायग्राम। अगर इस तरह से हो तो ऑल्टरनेट है, लेकिन अगर साइकिल के बिल्कुल सामने पैटर्न हो, पैटर्न के बिल्कुल सामने स्टेमन हो, तो उस चीज को सुपर पोज करा, वो दोनों से पोज मुंतकल कहलाते हैं। ऑल्टरनेशन ज्यादा नजर आती है जबकि सुपर पोजिशन बहुत कम कम। सुपर पोजिशन तब होती है जब दो वर्ब्स हों, एक वर्ब या डिस्प्लेस हो जाए या अबॉर्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तब ऐसा। नेक्स्ट हेडिंग है जी वेरिएंट। जिन फूलों से आप वाकिफ हैं ज्यादातर फूल गुलाब वगैरह इंसान को सामने रखते हुए, इन फूलों में तो सेपल्स पेटल सेपल्स सब्ज रंग में और पेटल्स कलर्ड, अगर ऐसा भी हम शोर मालूम है। लेकिन कुछ पौधे और खास तौर मोनोकार्ड्स की बहुत सी फैमिलीज के अंदर सेपल्स और पेटल में फर्क नहीं हो सकता, वो दोनों ग्रीनिश या दोनों से लाइट से कलर या रिश कलर में हो सकते हैं। जब हम सेपल्स और पेटल में फर्क ना कर सकें तो कौन सी सेपल कौन सी पेटल, तो उसके लिए ये टर्म्स बन जाती है और टर्म्स का नाम है पेज का। ये कलेक्टिव नेम है सेपल्स पेटल्स, खास तौर पर जब उनको डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल हो, लेकिन अगर चाहें तो इन जनरल भी दोनों को मिला के वेरिएंट का नाम दिया जा सकता है। वेरिएंट को कैपिटल पी से शो करते हैं जब फॉर्मूला बनाया जाए। अच्छा, अब सेपल्स पेटल के हवाले से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ कल बात हुई थी कुछ फूलों में सेपल्स पेटल नहीं होते, ऐसा भी है कि कुछ फूलों में एक सेपल पेटल में से एक चीज मौजूद, अगर एक मौजूद हो तो उसको आमतौर पर हम सेपल पेटल करेंगे। बहरहाल ये था जी बैकग्राउंड जी। अगर वेरिएंट लीव्स ग्रीन कलर के हों तो वो सेपलेट कहलाएंगे, और अगर वो रंगीन हो सब्ज रंग में हो तो फिर वो पेटलाइट कहलाते हैं। इसके लिए तो सेपलाइट या पेटलाइट। अगर वेरिएंट लीव्स जुड़े हुए हों तो वो गैमोफिलस, और अगर सेपरेट तो पॉलीफिलस कहलाएंगे। दो फूल लगे हुए चेक करें, पहले लेफ्ट साइड वाले को देखें, नीचे एक ब्रैकेट है उसके ऊपर एक फूल उसके एक्सल में से एक्सल में हाथ उसके पहले एक लीफ और स्टेम के दरमियान जो एंगल बनता है उसको ऑलरेडी कहते हैं, और वहां पर इस तस्वीर में आप फूल उगे हुए देख सकते हैं। उस लीफ को ब्रैकेट कहेंगे जिसके एक्सल में से फूल निकल रहा है। यहाँ पे एक ब्रांचिंग भी है ब्रैक्टियो। फूल की डंडी के ऊपर अगर एक्स्ट्रा लीफ लगा हुआ हो एक या दो ब्रैक्टियो, बहुत से पौधों में ब्रैकेट और ब्रैक्टियल मौजूद होते हैं जिसके ब्रैकेट्स के टाइप्स। ब्रैकेट्स भी बहुत सी टाइप्स हैं। पहली है जी लीफी ब्रैकेट्स, ये सब उस पन की होती हैं, बिल्कुल पत्तों जैसी होती हैं, मेजॉरिटी पौधों में ऐसे होती है। सेकेंड है स्केली ब्रैकेट, बहुत छोटी सी स्केल लाइक ब्रैकेट। ये सनफ्लावर जब आप स्टडी करेंगे, सनफ्लावर जिसको हम आमतौर पर सनफ्लावर कहते हैं, वो फ्लावर नहीं होता बल्कि उसके इंटरेस्ट होती है टेक्निकल में कैप्सूल है, उसमें अंदर की तरफ भी पोषक जाते हैं, वो सेंटर फ्लोरेट्स कहलाते हैं। जब उनको खोल के देखते हैं तो उनके नीचे से आपको स्केल लाइक छोटी छोटी बहुत ही मशहूर पौधा है, हमारे यहाँ आम पाया जाता है, गुलाबी सुरख या किसी भी रंग में मुजहर फूल नजर आते हैं, लेकिन उसकी पेटलाइन पैटर्न होती है। फूल बहुत छोटा सा होता है और व्हाइट कलर का होता है, ब्रैकेट की साइड के ऊपर लगा हुआ जाता है। बोगनवेलिया के अलावा फूल पिया फिर भी ऐसे फूल पिया जिन्हें सच बहुत सब फूल आते हैं। नेक्स्ट नेम है जिसके ये और नेचुरल वर्ड था टू बी नीचे के लिए तस्वीर है। नेक्स्ट है जी स्पे, ये लफ्ज अपने बिल्कुल डैन है और शायद आप उसे वाले ना देख रहा। एक बड़ी सी ब्रैकेट जिसने बहुत से फूलों के ग्रुप को आपस में घेरा हुआ कवर किया हुआ,
और इस एग्जांपल में खजूर, चलो एरो में दिया गया है खजूर, याद रखिएगा ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं पे बहुत से खजूर के पौधे लगे हों तो ज्यादा पौधे फीमेल होते हैं, मेल पौधे कम होते हैं। जिस पौधे पे खजूरें लगी हैं फीमेल होते हैं, खजूरें नहीं होती वो मेल, और जहाँ फीमेल पौधा जो होगा जहाँ पे खजूरें हुई होंगी उसके बाहर एक कवर, प्रोटेक्टिव कवर आता है, और वो यही है जिसका नाम स्पेथ के नाम से डिस्कस किया गया। इसकी चीजें आगे आएंगी। नेक्स्ट इमेज इनवॉल्यूकर सनफ्लावर में, जिस अभी थोड़ी देर बात की सनफ्लावर में जिसको हम फ्लावर कहते हैं, हम फ्लावर नहीं होता इंटरेस्टिंग होती है, तो उसको आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लावर जैसा लगेगा, क्योंकि उससे बाहर आपको सब्ज रंग की पत्तियाँ नजर आएंगे, वो स्पेशल ब्रैकेट्स हैं जिनको इनवॉल्यूकर या इनवॉल्यूकर ब्रैकेट्स कहा। अगर इमेज क्यूब्यू कप लाइक अंदर है, अगर एक हार्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाए ब्रैकेट्स के मिलने से और कवर कर ले प्रोटेक्शन के लिए चीज़ों को, जैसे कि आगे एग्जाम्पल आगे जब फूड स्टडी करेंगे तो हम एग्जाम्पल मिलेंगी वो शार्प ग्रोथ को कहते हैं, उसमें आ सही है फूड वाले चैप्टर में आप चाहें तो निकाल कर आएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ग्रोम्स, गंदम चावल मकई जौ ज्वार बाजरा मशहूर सीरियल्स हैं, फैमिली ग्रेवनी या पोएसी से ताल्लुक है, इन पौधों में फूल या एक स्पार्कलेट के बाहर एम्प्टी ब्रैकेट्स होती हैं जिन्हें ग्लूम्स का नाम दिया जाता है। जब आप उसका फैमिली को पढ़ेंगे तो तस्वीर भी आपके सामने आएगा। बैक टू यू, तस्वीर बनी हुई है, इसने स्ट्रॉबेरी शो किया है, स्ट्रॉबेरी के अलावा फैमिली मालवेसी कपास गुले खैरा वगैरह देख सकते हैं। फूल की डंडी पे स्टॉक के ऊपर केलक से पहले एक्स्ट्रा एक या दो लगा सकती है, उन्हें एपिक केलक्स या ब्रेड लियोस का नाम दिया। मैंने दो नाम मैंने बोले थे, बुक ने एक अवार्ड दिया हुआ बाल का डंडी के लिए। अरेबियन डार्क फ्लोरल्स, फूल की पत्तियां किस तरह से अरेंज हुई है, हम पीछे के प्रकट पढ़ चुके हैं कि फूल के अंदर जो ये चीज आती है सब इस पार्टी दायरों के अंदर, जब दायरों में चीजें रहेंगी उसको साइक्लिक अरेंजमेंट का नाम दिया जाता है। अब जब हम एक दायरे के मुकाबले पर दूसरे दायरे को देखते हैं, ये दूसरी जो आपके सामने 6.7 इसमें चेक करें, अब केलेक्स और कुल्ला को चेक करें, हर दो केलेक्स के सेंटर में एक पेटल है, ये नेचर की अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट आल्टरनेट अरेंजमेंट कहा जाता है। ये तो एक और पॉइंट जिससे हो गया जो मैंने अभी जिक्र किया साइक्लिक है, इस तस्वीर में तमाम साइकिल एक दायरे में है, साइकिल में तमाम पेटल एक दायरे में है, एक भी साइकिल, लेकिन इसके मुकाबले में एक नई कंडीशन, दो नई कंडीशन, एक लफेजी ए साइक्लिक और एक है लफेज हेमीसाइक्लिक। अगर फूल के अंदर कोई भी चीज तरतीब से ना हो तो ए साइक्लिक कहलाएगा। अब की रुकने इसमें वाटर लिलीज़ कमल की वैरायटी है और कैक्टस की वैरायटी, उसके मुकाबले में लफेज हेमीसाइक्लिक। फूल में आमतौर पर सेपल्स और पेटल दायरे में अरेंज होते हैं और मेल और फीमेल पार्ट एंड्रोशियम और गायनोशियम ये स्पाइरल अरेंजमेंट हो सकती है, ऐसा होता है इसको हेमीसाइक्लिक का नाम, दिस इज कॉल्ड हेमीसाइक्लिक कंडीशन। अगला हेडिंग है जिसमें क्रियाकलाप और इसकी चीजें बनी हुई, इसका बैकग्राउंड आप लोगों ने बायोलॉजी में FSC में और फर्स्ट मास्टर जूलॉजी में टॉपिक पढ़ा हुआ सिमेट्री के हवाले से, जहाँ पे एसिमेट्री रेडियल सिमेट्री और बाइलेट सिमेट्री के नाम बेसिकली एक्सप्लेन किया गया। जिस चीज को आपने वहां पे रिजोलॉजी में रेडियल सिमेट्री और बाइलेट सिमेट्री के नाम से पढ़ा है, यहाँ पे फूलों के अंदर एंजियोस्पर्म में हम दो और लफ्ज इस्तेमाल करेंगे टेक्निकल फासन। पहला लफ्ज है जी एक्टिनोमार्फिक, ये रेडियल सिमेट्री को शो करता है। दूसरा लफ्ज है जाइगोमार्फिक, ये बाइलेट सिमेट्री, और इसके भी डिटेल्स आपके सामने डायग्राम के साथ आएगी और ये आप खुद भी कुछ पौधों को लेकर स्टडी कर सकते हैं।
आपके सामने तस्वीरें बनी हुई हैं। हाँ, एक जो इनका मैचिंग आप इसमें जूलॉजी रिपोर्ट में ये मैच कैसे होंगे, जूलॉजी में जिसको हमने एक्टिनो आर्कटिक, सॉरी जूलॉजी में हमने जिस चीज को रेडियस मिट्री का नाम दिया था, बॉटनी में जब फूल को देखते हैं हम उसके लिए रेडियस मिट्री की जगह पे एक्टिनो मार्कते, और जूलॉजी में जिस चीज के लिए बायलेटस मिट्री का नाम इस्तेमाल किया गया था, प्लांट्स में फ्लावर को चढ़ी के हम उसके लिए जो है वो तस्वीरें जी, तो मेरे पास फिगर है 6.8A और B। 6.8 में पेट्रोनिया दिखाया था, हम दिखा रहा, और 6.B में जी, और 6.B के अंदर पौधे का नाम जो बिल्कुल बटर पीट। अब ए डायग्राम को और देखिए, इसने फूल को कई एंगल पे डॉटेड लाइन के साथ काट के दिखाया है, अब टॉप से ब्राउन टॉप से बॉटम तक कर लें, राइट साइड पर कर लें, पीछे कर लें, जहां से भी काटेंगे फूल के दो ही फेस। अगर ऐसा हो रेडियल रेडियल अलोंग दी रेडियस, आप बिल्कुल को ऐसे काटते हैं कि वो सिमेट्रिकली जो है वो काटा हो जाए, और हम इसको जहां से भी चाहें दो इक्वल पॉइंट्स पे करें। अगर ऐसा ना हो, बिल्कुल सिमेट्री ना हो जैसे बच्चे में था, उसको इररेगुलर कहते हैं जी। अब बी डायग्राम को स्टडी करने से पहले जो कि जाइगोमोर्फ के लिए है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं और फिर उसके बाद डेवलपमेंट इसके जाइगोमोर्फ को बी डायग्राम इसने एक साइड से व्यू दिखाया है, ये इतना क्लियर नजर नहीं आ सकता जब तक आप खुद इस पूल को नहीं देखते। तो सबसे मशहूर पूल इस कंपनी का है वो मटर है, जब भी मौका मिले बटर के सीजन में जब फूल उगे हुए हों तो आप उस पूल को और से देखें। सेकंड पॉसिबिलिटी मैं फूल का नाम बता रहा हूँ, अगर आप इस नाम से वाकिफ हैं, इसका आजकल कोई सीजन नहीं है फूल का, लेकिन मैं नाम बता देता हूँ, फूल का नाम है पैंसी। क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं पहले से, क्या आपके नाम सुना होगा यह नाम, आप बताएं यू नो व्हाट इज पैंसी, स्पेलिंग PANSY। किसी ने भी गवर्नमेंट दी है, चले मैं एक एग्जाम्पल देने लगा हूँ, ये एग्जाम्पल आप दूसरे के बल्कि दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जिशांदे का नाम सुना आपने कभी, हमदर्द का जिशांदा या जिशांदी जी सर। अब जो जिशांदे है उसके अंदर बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती जिनमें से एक पौधे का नाम बनफ्शा, और उसी पौधे का शरबत शरबत बनफ्शा के नाम से मार्केट में गया। किसी ने शरबत पिया हो, शरबत बनफ्शा नाम सुना हो? नो सर। चलो किसी नाम सुना हो सर? जी सर नाम सुना। चलो बनफ्शा का जो फूल है वो बिल्कुल पेंजी से मिलकर जुलता है, मटर का फूल कैसे होता है, लेकिन बनफ्शा के फूल पेंजी के फूल तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत मटर जो फूल मटर है उसके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन पेंजी के कम खूबसूरत होते हैं। एनी हाउ, इन पौधों में जब आप फूल को देखेंगे तो फूल को देखते ही पता चलेगा इसके दो हिस्से हो सकते हैं, ये दो ज्यादा समय तक नहीं हो सकता, इररेगुलर पत्ती, पीछे एक बड़ी पत्ती, दरमियान में दो छोटी पत्तियाँ, दो सबसे छोटी पत्तियाँ पत्तों के लिए। अब ये था जी अबाउट मार्केट टॉपिक चल रहा था, सिमेट्री के हवाले से, सिमेट्री के दो किस्में जाइगोमॉर्फिक एक्टिनो मॉर्फिक और टेक्निकली ये इक्वल टू है रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल
पायलट को बोलते हैं जब आप फूल के सिर्फ दो हिस्से, एक पत्ती दाएं तरफ है एक बाएं तरफ है, और उसके सिर्फ दो इक्वल पार्ट मिल सकते हैं उस के लिए। जी मेरे हिसाब से आज काफी पेजेस हो चुके हैं, इतने काफी हैं या थोड़ा सा और आगे चले हमारे पास नहीं टाइम भी नहीं है जी, एक या दो मिनट बाद हमारा दो से तीन मिनट तक हल में बात हो जाएगा, तो कितने दस हो जाते हैं और 40 मिनट का काम, एक दो मिनट लेट काउंसिल हुआ था उस टाइम में हमारा आगे का कुछ होगा वन टू थ्री फोर साढ़े पाँच पेज हम बैंक पड़े हैं, हम दो तीन टर्म्स ये छोटे छोटे ही हो सकते हैं, चले ये टर्म कर लेते हैं क्योंकि टाइम इतना है, 15 मिनट से पहले ये हो जाए। नंबर एक स्पेशल टर्म है, पूल में अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, नहीं है तो ई ब्रैकेट, ब्रैकेट पूल बहुत से हैं और बुक ने आई को एग्जाम्पल दिया ई ब्रैकेट, उसमें ब्रैकेट नहीं होती है आपकी बुक के मुताबिक कटून एग्जाम्पल दी हुई। पेडिसिलेट अगर पुल से डंडी मौजूद हो तो पेडिसिलेट है, अगर डंडी मेजॉरिटी पुलों में डंडी होती है, अगर डंडी ना हो तो उससे साल कहलाते हैं वीट गंदम पहला है। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, अगर पुल में सेबल स्पेटल कंप्लीटली मौजूद है तो वो कंप्लीट है, वीजे नहीं है तो वो इनकम्प्लीट और क्या है। दो रिजॉल्व भी हैं वो है जी परफेक्ट और इम्परफेक्ट, कुछ टर्म और दी है पहले वो टर्म्स और फिर बुक बाबू लेके चलना चाहिए। अब बुक ने फ्लावर में कम्प्लीट इनकम्प्लीट के अंदर जो टेक्निकल टर्म्स पर है मोनोक्लाइमेट, अगर सैंपल पैटर्न में से ए मुझे वर्डिंग बोलनी पड़ेगी, अगर सैंपल पैटर्न दोनों मौजूद हैं तो पूल कम्प्लीट, अगर दोनों नहीं है एक है तो फिर वो इनकम्प्लीट, अगर दोनों में से एक चीज एब्सेंट है एक मौजूद है एक नहीं है तो टेक्निकली इसे एक और नाम है और ये टेक्निकली रिलेटेड वन में है मोनोक्लेट। और इसके एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स और चीनोफोडियम, चीनोफोडियम की बेस्ट एग्जांपल हमारे यहाँ बाथरूम है, बाथरूम का पूल आप देख सकते हैं लेकिन इसका पूल बहुत छोटा। अगर सैंपल पैटर्न दोनों ही ना हो तो पूल नेक्ट या एक लेमेट इसका अंदर, ऐसे ही एग्जाम्पल दिया आपकी बुक ने, इंग्लिश नेम है ऐश फ्रैक्सिनल सर्टिफिक नेम है, ये था जी ऐसे पूल जिसमें सैंपल पैटर्न नहीं है और मोनोक्लोनल स्ट्रक्चर्स के अंदर ए पैटर्न की टर्म दी गई है इसमें पैटर्न नहीं, तो मोनोक्लाइमेटिक को एक पैटर्न भी कहते हैं, अगर दोनों मौजूद हैं तो वो डाइक्लाइमेटिक, सैंपल पैटर्न दोनों है तो फिर वो डाइक्लाइमेटिक। जी अब आखिर में टाइम एक मिनट का टाइम है मेरे ख्याल में, अगर बंद ना हो गया तो मैं बयान कर देता हूँ। परफेक्ट और इम्परफेक्ट, अगर सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद हैं तो वो परफेक्ट है, बाइसेक्सुअल है, हर्मोफ्रोडाइट है, अगर दोनों ना हो एक तो वो इम्परफेक्ट है, यूनिसेक्सुअल का है। यूनिसेक्सुअल की दो टाइप्स हैं मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स। मैंगो एक ऐसा पौधा है हमारे यहाँ जिसमें कई किस्म के फ्लावर पैदा होते हैं, मेल फ्लावर सेपरेट फीमेल सेपरेट और ऐसे वर्षन मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। मैंगो में एक किस्म और भी पौधे हैं जिनमें ऐसे हैं, वो पौधे जो मेल फीमेल सेपरेट होते हैं जिसमें खजूर की खजूर का नाम दिया गया था, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं ऐसे पौधों के फूल भी यूनिसेक्स हो और मेल में सेमिनेट और फीमेल में क्रिस्टिलेट का नाम। अगर एक ही पौधे के ऊपर मेल फीमेल दोनों डिफरेंट फ्लावर मौजूद हों तो वो मोनोशिस कहलाता है, मेल फ्लावर मेल प्लांट पर फीमेल प्लांट मौजूद है जिसमें खजूर की वजह से उसको मैंने अभी बैनर बुक नाम दिया था कोली गैरस फूलों का टेक्निकल जी, अटेंडेंस चेक कर लीजिए सब लोगों ने लगा दी हुई है।
चैट में लोग मैसेज ज्यादा आ रहे हैं और लोग सिर्फ 15 मौजूद हैं, जैसे बहुत कम प्रेजेंस है जी। आज हमारे तकरीबन 6 पेज हो गए हैं, बल्कि 6.5 पेज हो चुके हैं। हाँ, आखिरी पॉइंट रहेगा जी, अगर फ्लावर में सेक्स ना हो, सेक्स और ना, वो फूल न्यूट्रल कर जाता है, ये सन फ्लावर में बाहर रखते हैं। आज के लिए टाइम खत्म हुआ। If you have a question, you can ask a question for the computer. We are going to have classes.